जय हिंद साथियों। साथियों यदि आप डिफेंस पेंशनर हैं या फिर डिफेंस से पेंशन आने वाले हैं और आपको मोबाइल पर इस प्रकार का मैसेज आ चुका है या फिर आएगा, तो आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथियों जैसा कि आपको सबको पता है कि PCDA अब डिफेंस पेंशनर का डेटा CPPC से हटाकर उस पर पेंशन पोर्टल पर डाल रही है, और जिनका भी डेटा उन पर डाला जा चुका है, जैसे ही पढ़ जा रहा है तो उनको इस प्रकार के मैसेज आ रहे हैं। साथियों ये मैसेज आने के बाद आपने किस प्रकार से लॉगिन करना है, आज के वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक लाइव या डेमो के साथ मैं आपको एक दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको मैसेज आने के बाद लॉगिन करना है। मोबाइल के जरिए दिखाऊँगा साथियों, लॉगिन करना है इस पोर्टल पर, और पासवर्ड पॉलिसी जो PCDA की है उसको वो क्या है और उसको किस प्रकार से पासवर्ड बनाते समय ध्यान रखना है, पासवर्ड को किस प्रकार से बदली करना है आपने, क्या क्या लॉगिन के दौरान सावधानियां बरतनी हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, और लॉगिन करने के बाद भी आपने क्या करना है वो भी बताऊंगा। इसलिए साथियों मेरे साथ ये अंत तक बने रहें। साथियों आपको PCDA की तरफ से इस प्रकार का मैसेज आया होगा या फिर आएगा, उसमें इसमें उन्होंने लिखा है कि आपका स्पर्श के साथ में खाता या अकाउंट क्रिएट हो चुका है, उसकी पेंशन आईडी आपकी पेंशनर आईडी ये है, आपने इसको अपनी डायरी में नोट कर लेना है, क्योंकि इसी के साथ में जो है आप जो सर्विसेज हैं स्पर्श के वो अवेल कर सकते हैं, और उसमें अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं कि किस प्रकार से आपने करना है। इसमें पहले ऑप्शन में जैसे कि ये लिखा हुआ है, स्पर्श का लिंक दिया हुआ है, लिंक के थ्रू लॉग इन करके जो मैं आपको बताने वाला हूँ भी इसकी पूरी फैसिलिटी कर सकते हो। अगर आप मैसेज को पूरा खोलोगे तो ये देखिए यहाँ पर जो है, इसके अलावा दूसरे ऑप्शन में इन्होंने दिया है कि नियरेस्ट सर्विस सेंटर में भी जाके आप कर सकते हैं, और ये आपके यूजर नेम और पासवर्ड उन्होंने दे दिए हैं, और इसके अलावा जो है कोई भी उसके लिए जो है आप जो है टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है, और सर्विस सेंटर में जाके आप ये सर्विस अवेल कर सकते हैं। अब यूजर नेम और पासवर्ड आप नोट कर लेना साथियों अभी डायरी में, क्योंकि अभी मैंने आपको आगे ले जाना है। अब ये देखिए इसके लिंक में जो पहला ऑप्शन है, इसमें लिंक में आपने क्लिक कर देना है साथियों। अब देखिए मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए ये जो है स्पर्श का पोर्टल आपके सामने खुल चुका है। अब यहाँ पे बाईं तरफ आप देखेंगे तीन लाइनें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे ये वाली आपने इनको क्लिक करना है। मैंने पहले भी कुछ वीडियो बनाई हुई हैं, इसके लिंक में मैं उनको डाल दूंगा, इस स्पर्श से संबंधित आप उनको भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कई ऑप्शन आएंगे, तीन लाइन को क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आएगा नीला वाला ऑप्शन जिसमें लिखा हुआ है लॉगिन, आपने लॉगिन को क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे इस प्रकार का पॉपअप आ जाएगा कि आप जो है यहाँ पे लॉगिन के लिए यूजर नेम और पासवर्ड आपको डालना है। तो यूजर नेम पासवर्ड जो आपने नोट कर लिए हैं जो PCDA की तरफ से आए हैं आपने यहाँ पर डाल देने हैं। ये देखिए मैंने डाल दिए हैं, इसका पासवर्ड भी डाला है। अब जहाँ पर नीचे आई एम नॉट अ रोबोट लिखा हुआ है आपने इसको क्लिक कर देना है साथियों। अब यह शो पासवर्ड लिखा हुआ है, आप इसे भी करके आप पासवर्ड देख सकते हैं अपना, कन्फर्मेशन के लिए सही है। आई एम नॉट अ रोबोट यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का आ गया है कि हाँ आप जो है फिजिकली इस काम को कर रहे हैं, सिक्योरिटी बेस पे होते हैं। ये नीचे लॉगिन का बटन आएगा, आप जो है इसको क्लिक कर देना अपने लॉगिन को। अब देखिए साथियों ये क्या आ रहा है कि यूज़र नेम और पासवर्ड इनवैलिड, यानी कि मैंने इसमें कुछ गलत डाल दिया होगा, इसलिए जो मैंने आपको नोट करने के लिए बोला था आप दोबारा से चेक करिए मैसेज को, और इस प्रकार से सही लॉगिन यूजर आईडी और पासवर्ड डालना आपने, दोबारा से उसी प्रक्रिया के साथ में आपने इसको लॉगिन कर देना है साथियों। अब देखो अब वो सही पासवर्ड डालने के बाद ये कर दिया है लॉगिन। अब देखिए साथियों जो PCDA से आया था आपको पासवर्ड, आपको उसको चेंज करना है, ये बोल रहा है आपको चेंज करना है, चेंज पासवर्ड। तो आपको ये जो करंट पासवर्ड है इसमें तो जो PCDA का आरा का पासवर्ड आपने वो डालना, नीचे न्यू पासवर्ड अपना बना लेना है आपने। न्यू पासवर्ड में आपने इस प्रकार से टाइप कर लेना है पासवर्ड। अब देखिए रेड आ रहा है, रेड का मतलब ये है कि PCDA को आपका पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी कुछ पासवर्ड पॉलिसी है, मैं आपको थोड़ा आगे बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, आप देखते रहना। अब देखिए मैंने कुछ इसमें और ऐड किया है, अब ग्रीन आ गया है यहाँ पे इसके नीचे कलर, और ये देखिए एक्सेप्ट आ गया, यानी कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, मैं
जो है उनकी पासवर्ड पॉलिसी बिल्कुल सही है, उस हिसाब से टाइप किया है, तो यहाँ पर सेम कन्फर्म पासवर्ड आपने कर देना है। अब देखिए पासवर्ड पॉलिसी जो इनकी पासवर्ड हिंट हैं, इसमें क्या है कि मिनिमम जो है 8 करेक्टर होने चाहिए, मैक्सिमम 12 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। दूसरा जो है एक लोअर केस में, एक अपर केस, मतलब एक स्मॉल लेटर में, एक कैपिटल लेटर में भी होना चाहिए, और जो है एक नंबर में भी होना चाहिए, 1, 2, 3, 4 कुछ भी लिखोगे आप। और फिर एक स्पेशल करेक्टर जो स्टार है, ये एट द रेट वगैरह जो इसमें साइन थे आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। तो पासवर्ड पॉलिसी को पढ़ लेना, उसके अनुसार आप पासवर्ड बना लेना, और जब पूरा बना लोगे हरा वाला निशान आ जाएगा, तो ये नीचे बाईं तरफ देखोगे आप, ये सबमिट का है, इसको सबमिट कर देना। आप जैसे ही सबमिट करोगे तो ये देखिए साथियों एक पॉपअप भी आ जाता है, आप अपने पासवर्ड को सेव भी कर सकते हैं, ताकि अगली बार आप लॉगिन करोगे तो पासवर्ड आपको सेव मिलेगा, बस आपने जो है अपना यूज़र नेम डालना है। अच्छा ये देखिए आप कन्फर्मेशन आ गया कि आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है एंड यू विल बी नाउ बी लॉग्ड आउट, तो आपको जो है लॉग आउट कर देना है, और दोबारा से इसकी सर्विस अवेल करने के लिए अपने नए पासवर्ड के साथ में आप इसमें लॉगिन करना है। तो मैं देखिए अब यहाँ पे लॉग आउट कर देता हूँ, और दोबारा से जो आपको बताया था कि किस प्रकार से लॉगिन करना है, वही उसी पूरी प्रक्रिया को मैं दोबारा यहाँ पर बताता हूँ नए पासवर्ड के साथ में। अभी देखिए पासवर्ड ऑलरेडी आ गया था, इसको कंटिन्यू करोगे तो पासवर्ड ऑलरेडी सेव्ड मिलेगा, आपने ऊपर यूजर नेम डाल देना है और सेम उसी प्रकार से लॉगिन कर देना। ये देखिए अब लॉगिन आ गया, ये सेव के लिए दोबारा बोल रहा है पासवर्ड, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं, आप ऑलरेडी उसको सेव कर चुके हैं साथियों। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वेलकम टू स्पर्स पेंशन पोर्टल, यानी कि आप जो है स्पर्स के पेंशन पोर्टल के अंदर लॉगिन कर चुके हैं साथियों। ये देखिए अब जो है इसके बाईं तरफ तीन जो आपको वही डंडियाँ दिखाई दे रही हैं, ये देखिए यहाँ पे इसको आपने क्लिक करोगे तो इसको फिल्टर और उसके नीचे पीडीवी, पीडीवी का मतलब पेंशन डेटा वेरिफिकेशन। तो सबसे शुरू में आपने पेंशन डेटा वेरिफिकेशन करना है यहाँ पे, तो वो किस प्रकार से करना है मैं आपको जो है अगली वीडियो में बता दूंगा, और उसका वीडियो जो है इस लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा मैं आपको। और साथियों मैंने कुछ और भी वीडियो बनाए हैं, और पेंशन डेटा वेरिफिकेशन करने के बाद आपको किस प्रकार से इसके अंदर की सर्विसेज उनकी सुविधा लेनी है, चाहे वो पीपीओ से संबंधित हो, पेंशन स्लिप आपको डाउनलोड करना है या देखना है, अपनी पेंशन देखनी है, आपके कुछ ग्रीवेंसेज हैं, कुछ आपको अपडेशन कराना है, कुछ आपको मेडिकल से कुछ दिक्कत आ रही हो, तो कुछ भी चीज़ें आपने इसमें देखनी है, लाइफ सर्टिफिकेट किस प्रकार से जमा करना, तो मैं उसका सेपरेट वीडियो बनाऊँ। तो साथियों वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटा जरूर दबा देना, ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आते रहें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे जो है लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और आपके कोई भी क्वेरी हो तो इसमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उनका जवाब ज़रूर दूंगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।